स्वच्छकार समाज की आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर कौशल पंवार। आज चर्चा की इस कड़ी में, जैसे कि हमने जो समाज का जो निचला वर्ग है, स्वच्छकार समाज है या फिर डिप्राइड सेक्शन है, उन सब के हमारे जो पुरखे हैं, हमारे पुरखने हैं जिनकी आवाज कहीं ना कहीं उस तरीके से हमारे सामने नहीं आ पाई, उनमें से एक आवाज है प्रोफेसर धर्मपाल जी। प्रोफेसर धर्मपाल जी, आप डीन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुए हैं। आपकी जीवन यात्रा के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आपका स्वच्छकार समाज परिवार की तरफ से बहुत 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 स्वागत है, मंगल कामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, उसकी भी मैं आपको मंगल कामनाएं देती हूँ। प्रोफेसर धर्मपाल सर, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप इतनी हायर एजुकेशन लेने के बाद और तमाम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में काम करने के बाद, आप हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, आपका सफर कैसा रहा। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं, आज बुद्ध जयंती है, तो बुद्ध जयंती की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप एक विशेष दिन बात कर रही हैं हमसे, तो मैं थोड़ा सा जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा हूँ कि जो शायद थोड़ी नई भी लगे लोगों को। वैसे जब मैं पैदा हुआ तो मुझे पता नहीं था कि मैं किस जाति में पैदा हुआ। सर, मैं आप मेरा जन्म सर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। आप क्या ये बता पाएंगे कि आपकी जन्म तिथि क्या थी, मतलब क्या उस वक्त? हाँ जी, वही ये थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शक। हाँ, वही बताने जी मैं वही बताने जा रहा हूँ कि मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ। जो तिथि सर्टिफिकेट में दी हुई है उसके हिसाब से 20 अगस्त 1953 को हैदराबाद में मेरा जन्म हुआ। और ये हैदराबाद शहर आप जानती ही हैं, अभी तो तेलंगाना की राजधानी है, लेकिन पहले से ही काफी प्रसिद्ध रहा है। ये नवाबों का शहर था और जो मीर उस्मान अली जो वहाँ के राजा थे उसके तहत निजाम सरकार यहाँ चलती थी। और मेरे पिताजी बचपन में, जब वो छोटी उम्र में थे, तब वो हैदराबाद आ गए। और हैदराबाद वो, यानी कि उस पेशे, वो पेशा उनको करना पड़ा जिससे कि आज हम बहुत नफरत करते हैं, लेकिन वो मजबूरी में उन्होंने उस पेशे को प्रारंभ में अपनाया था। और वो पेशा था कि जो मैला साफ करने का काम, जो कच्चे लैट्रिन होती है उसको साफ करने का काम उन्होंने शुरू किया था वहां पर। कम उम्र में वो हैदराबाद में आ गए थे, तो ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मेरे जो पिताजी थे उनका नाम बनवारी लाल था, तो वो इस पेशे से खुश नहीं थे। और धीरे धीरे उन्होंने काफी मेहनत करके धीरे धीरे इस पेशे के अलावा दूसरे काम भी शुरू किए उन्होंने, जैसे कि कपड़े बेचना, घी बेचना, इस वहाँ से उत्तर भारत से वो घी लेकर के आते थे और यहाँ बेचते थे, फिर कपड़े बेचते थे, इसे बहुत सारे छोटे छोटे व्यापार किए उन्होंने। और धीरे धीरे वो आगे बढ़े और फिर एक संपन्न परिवार के रूप में हमारा परिवार हैदराबाद में जान गया। और कुछ साथ में उन दोनों में कुछ ये लेन देन का भी चलता था, तो वो इसमें भी मेरे पिताजी जो ना वो एक तरह से छेड़ साहूकार कहलाते थे। तो मेरा बचपन तो, यानी कि बहुत कहना चाहिए कि मुझे आर्थिक समस्या का बचपन में कभी अभाव नहीं हुआ इस दृष्टि से देखा जाए। लेकिन ऐसा था कि मेरे दो बड़े भाई बड़ी बहनों, हम लोग पांच बहनें और चार भाई थे हम लोग। तो दो बड़े, बड़ी बहन और बड़ा भाई वो दिल्ली में पैदा हुए थे, क्योंकि हमारा जो मूल है वो दिल्ली से है, दिल्ली देहात से है, और बाकी के हम लोग यहाँ हैदराबाद में पैदा हुए। और इस तरह से हमारे पिताजी कुछ समय हैदराबाद में रहते थे और कुछ समय वो दिल्ली चले जाते थे, उनका आना जाना लगा रहता था। लेकिन यहाँ का माहौल इतना खराब था, मैं आपको बताऊं कि ये वो समाज है जिसको यहाँ पर हैदराबाद में मेहतर समाज कहा जाता है। तो
मेहतर समाज जो है ना, ये इसको आप भी मानिए कि अछूतों में भी अछूत इसको माना जाता, आज भी इसी दृष्टि से यहाँ के लोग इस समाज को देखते हैं। तो उससे बड़ी नफरत करते थे लोग, यहाँ तक कि जो यहाँ के जो मूल अछूत लोग हैं एससी, जैसे उनमें माला मादिगा आते हैं, तो वो लोग मतलब इस समाज से नफरत करते रहे हैं, ऐसा देखने में आया था। और ऐसे ही माहौल में मैं वहां पर पैदा हुआ था। और लेकिन मुझे बचपन की ज्यादा याद नहीं, बचपन में यहाँ का माहौल इतना खराब था कि हमारे लोगों के जो दृष्टि थी उसके कारण से मेरे पिताजी ने छोटी उम्र में ही मुझे फिर दिल्ली भेज दिया था। और दिल्ली में फिर मेरी वहाँ शिक्षा प्राइमरी स्कूल की प्रारंभ हुई। वैसे पहली कक्षा जो मैंने हैदराबाद में ही एक स्कूल में यहाँ प्रारंभ की थी, पहली जब मतलब जिसको कहेंगे कि आज के हिसाब से LKG वगैरह से IE सीखने के लिए, तो लेकिन यहाँ का माहौल खराब होने की वजह से मुझे दिल्ली, वहाँ जो मेरे बड़े भाई साहब थे उनके पास मुझे वहाँ भेज दिया, और वहाँ प्राइमरी स्कूल में भी वहाँ पर पढ़ाई। और वहाँ मुझे काफी समय तक ये पता नहीं चला कि मैं इस जाति से संबंध रखता हूँ उधर, क्योंकि एक तो हमारा परिवार वहां पर आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, यानी इतने बड़े भी नहीं थे, लेकिन ये था कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पिताजी बड़ी मेहनत करते थे तो कुछ पैसे जुटा पाते थे और अच्छा खर्चा हमारा चलता था। तो मुझे बचपन से ही स्कूल में जाने लगे तो मेज कुर्सी पर बैठने का घर में वातावरण बनाया पिताजी ने। मेरे बड़े भाई साहब वो अध्यापक थे, मेरे जो बड़े भाई साहब प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे वो उस समय के, और इसलिए उनकी देखरेख में मेरा और मेरे से बड़े भाई राजेंद्र प्रसाद जी उनका लालन पान हुआ दिल्ली में, और पढ़ाई भी हुई, शिक्षा भी हुई मिली। और मुझे इनकी पहली बार एहसास जाति का तब हुआ कि एक बार जब मैं छोटा था तो स्कूल में जाया करता था, वहां तो अक्सर ही हमारे घर में दो दो तीन दो भैंस बरा देती थी, भैंसे बरा पालते थे हमारे पिताजी घर पे, और मैं कभी कभी उनको कहते हैं ना कि देहाती भाषा में कि उनको भैंसों को चारा खिलाने के लिए ले जाते थे जंगल, मतलब गांव के आसपास का जो खेत भरा थे ना जहाँ घास भरा होती थी। तो एक बार ऐसे ही मैं वहां भैंसों को चराने लेकर गया, और एक मुझे वहां पर प्यास लगी तो मैंने देखा कि एक खेत था, उस खेत में एक घड़ा रखा हुआ था, और वो जो घड़ा था घड़े के ऊपर एक चंबू होता है, यानी कि एक कहीं के टीन का एक डब्बा जैसा, उसको चंबू बोलते हैं हम। तो उस अब मैंने देखा कि भाई बड़ा अच्छा है, तो घड़ा भी रखा हुआ है और उसके ऊपर वो पीने के लिए जो चंबू था वो वो भी है। तो मैंने क्या किया, वो उठाया और उसमें से वो पानी लिया और मैंने पी आराम से। और लेकिन इतने में एक आदमी भागा हुआ आया और आकर के मेरे से पूछ रहा, तुम कौन हो, क्या हो, किसके हो, क्या हो, तो किसका है। तो अब मुझे उन दोनों में पता नहीं था कि क्या होता है ये क्या नहीं। तो मैंने कहा कि भी वो लोग दूसरे लोग बोलते थे कि भाई घर में यहाँ वहाँ के भैया मतलब चूड़े का लड़का है। तो मैंने कहा किसके पापा नाम कहिए बता दिया मैंने। तो उसके बाद उसने मुझसे कहा, डांटा मेरे को और कहा कि इसके पैसे लेकर किया, ये जो चंबू तो नहीं इससे पानी पिया ना इस घड़े से, तो इसके पैसे देने पड़ेंगे। उस समय में उन्होंने मुझसे 54 मांगी थी कि 54 ला करके अपने घर से। तो मैं वहां आया घर, मुझे पता नहीं कि भाई ये जो है इसी, लेकिन जब मैंने बात घर में पिताजी को बताई, पिताजी ऐसे ऐसे होगा, तो मेरे पिताजी बड़ा गुस्सा के कौन है देखता हूँ मैं उसको। मेरे पिताजी बड़े मतलब बड़े दबंग आदमी थे और बहुत सारी बुराइयों से दूर रहते थे, तो उन्होंने जाकर उसको डांटा, एक पैसा नहीं दिया। और लेकिन मुझे तब पहली बार एहसास हुआ कि भाई ये क्या है, मतलब कि पानी के लिए पीने के लिए मुझे रोका गया। ये अनुभव मतलब स्कूल के समय का ये एक अनुभव मुझे अभी भी याद है, जो मुझे आज भी मैं सोचता हूँ तो बड़ा बुरा लगता है कि भाई क्या पानी पीने के लिए भी क्या किसी की इजाजत चाहिए।
जी, उसके बाद कभी एक आपको बीच में टोकना चाहती हूँ, मैं बड़ा बड़ा ध्यान से सुन रही थी और मुझे सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे तमाम जितने दलित हैं हमारे, या दलितों में भी जितने जो खासकर जो नीचे का, बिल्कुल दलितों के अंदर भी जो नीचे का तबका है, वो कैसे इन सारे उत्पीड़न को सहन करता है, इसको बयान करने में कितनी तकलीफ होती है, वो मैं समझ सकती हूँ सर। आपको टोकने में मुझे बहुत खराब लग रहा था, मन कर रहा था आराम से आपको सुनूं, लेकिन आप ये देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेके तमाम प्रोफेसर जितने हैं, गिने चुने हैं, मैंने तो लगभग दो का ही नाम अभी तक सुना है जो हमारी इस स्वच्छकार समाज से हैं, प्रोफेसर धर्मपाल जी और या फिर प्रोफेसर जो वाइस चांसलर रहे हैं प्रोफेसर श्यामलाल जी। इसके अलावा मुझे तो अभी तक कोई नाम ऐसा नजर नहीं आता जो प्रोफेसर रहा हो या फिर वाइस चांसलर के पद तक पहुंचा हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम में भी पानी की समस्या झोंकी त्यों थी, तमाम उन तबकों में पानी की समस्या थी, और आज जब आपको मैं सुन रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि कितना किस घृणित काम से उठ के ऊपर उठकर आप ऐसी हायर एजुकेशन लेते हैं जो कम से कम जो शिक्षा प्रणाली है हमारी उसमें कम से कम हाईएस्ट डिग्री है। सर मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहती हूँ, और वो ये कि आपके अनुभव से हमारे दर्शक तमाम और खासकर ऐसे युवा, ऐसे युवतियां, लड़के लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो जो इन सारी चीजों को अगर ना भी झेलते उस रूप में, लेकिन आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, और आपने किस तरीके से सारी चीजों से ऊपर उठ के आप वहां तक का आपने सफर तय किया, स्कूल से लेके और यूनिवर्सिटी के डीन के पद तक पहुंचने में। मैं तो आपसे निवेदन कि कुछ चीजें हमारे साथ ऐसे भी साझा कीजिए जिन पे आपको बहुत अंदर से बहुत तकलीफ आज तक भी देती, और एक कोई ऐसा सुखद पहलू भी दीजिए जो लगता है कि हमारी ताकत हो, वो कोई भी हो सकता है। जी सर। हाँ देखिए, इससे पहले मैं एक दो और अनुभव बताता हूँ इसी तरह के, वो फिर मैं अपनी बात बताऊंगा आगे। कि दो घटनाएं और ऐसी हुई मेरे जीवन में ऐसी है कि वैसे मैं बचपन से ना काफी मतलब कि शारीरिक दृष्टि से बहुत स्ट्रॉन्ग था मैं, और किसी से तो मुझे भय नहीं रहा था। स्मार्ट है आज लगता है, हमारे वाल्मीकि समाज के भंगी समाज के आप जैसे ताकतवर, स्मार्ट, हैंडसम, आप युवा अवस्था में कैसे रहे होंगे हम इमेजिन कर सकते हैं। तो हुआ ये कि अब हम चूंकि हमारे घर में वो भैंस वगैरह थी तो दूध दही की कमी बिल्कुल नहीं रही, इसलिए खूब अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा। हमारे माता पिताजी जो थे ना वो मुझे बहुत अच्छे से कपड़े पहनाते थे, बहुत अच्छा रखते थे, और किसी भी चीज की कमी नहीं रहती थी। और दूसरी बात, लेकिन गांव में जैसे कि आप जानते कि हमारा जो परिवार था एक मतलब थोड़ा संपन्न परिवार था, लेकिन दूसरे भी जो लोग थे हमारे लोग थे वो काफी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग थे, वो उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, एक दो बात और बताता हूँ कि हमारे गांव में ना कुएं अलग अलग थे। हमारा जो गांव है नांगलोई के पास एक गांव है कमरजी नगर, वो हमारा मूल गांव रहा है, ये दिल्ली देहात के अंतर्गत आता है। तो वहां हर किसी तथाकथित जाति के अलग अलग कुएं बने हुए थे, अलग अलग कुएं, और हमारा कुआ अलग अलग और दूसरों का अलग, हीरों का अलग, जाटों का अलग, इस तरह से अलग 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 कुएं बने हुए थे। तो मैं क्या करता था मतलब कि इन चीजों को तोड़ने का भी मैं बहुत काम करता था। तो एक बार तो क्या हुआ कि बिल्कुल हमारे गांव के पास एक जोहर था, मतलब एक तालाब कहीं, जोहर का मतलब तालाब, तो उसके पास एक कुआ था, वहां पर ज्यादातर जाटों के लोग वगैरह ये आते थे पानी पीते थे। तो मैंने सोचा एक दिन गया भाई मैं कभी इस पे जाके स्नान करना है, और एक दिन मैं गया सवेरे क्योंकि मुझे हमको दोनों भाई को बड़ी आदत थी बचपन से ही, हमारे पिताजी जल्दी उठाते सवेरे 4 बजे का उठाते सर्दी गर्मी कैसे भी रहने दो। तो हम लोग हमारे कुएं पर जाकर के ना खूब बहुत सारी जो बाल्टी भर भर करके मतलब खींच खींच करके ना वो डालते थे सिर पर 15-15, 20-20 बाल्टी सिर पर। पहली बाल्टी में थोड़ी ठंड लगती थी, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता गर्म गर्म काम। तो एक बार क्या हुआ, हमारे गाँव के पास दूसरा कुआ था, वहां मैं सवेरे सवेरे गया और वहां मैंने अपनी बाल्टी वगैरह ली और वहां पर मैंने स्नान किया खूब अच्छे तरह से नहाया गया, और 2-4 और भी जाड़ के लड़के नहा रहे थे, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ कहा नहीं और कोई मुझे नहीं बोला, मैं आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि एक हीरों का एक कुआं था हमारे, और वहां पर यह था कि वहां पर केवल अहीर लोग ही
वहां महिलाएं पानी भरती थी वहां, तो मैं एक बार वहां गया, मुझे प्यास लगी हुई थी, तो मैंने वहां पर कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं 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 तुम इस पर नहीं कर सकते हो, फिर अभी मुझे प्यास लगी तो बोला नहीं ठीक है पानी हम, तो उन्होंने फिर मुझे जो ना एक महिला ने मुझे जो ना वो पानी ऐसा बाल्टी से ना ऐसे डालते होंगे ओक बना कर कैसे ना ओक बनाते ना ऐसे ऐसे उन्होंने डाला और वो मैंने वो पानी, तो ये एक घटना थी। लेकिन बहुत ज्यादा नया अत्याचार हमारे ऊपर होना इस तरह की बातें तो नहीं हुई वहां पर, तो ये है बात है जो मैं कहना चाहता था। अब दूसरी बात रही बात पर पढ़ाई के बारे में आपको बताऊं मैं कि क्योंकि हमारे दो भाई साहब थे, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा सा जो अच्छा। जी और बढ़ाऊं वॉल्यूम? नहीं 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 ये ठीक है, बस आप जब बोले तो थोड़ा सा जोर के बोले और लाउडली बोलो। हाँ थोड़ा सा आपकी आवाज तो बड़ी एकदम परफेक्ट है सर, थोड़ा सा लाउड बोलना है आपको बस। अच्छा, अभी अभी आ रही है सी आवाज? एकदम ऐसे बात करूं? जी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा लाउड बोलना है। जी जी, तो हमारे एक परिवार में एक बात थी कि हमारे जो पिताजी थे ना वो आर्य समाजी बन गए थे, और आर्य समाजी बनने से काफी लाभ हमको उस समय में हुआ कि बहुत सारी जो समाज में बुराइयां थी कुरीतियां थी, बीड़ी पीना शराब पीना ये जो चीजें, इनसे हमको छुटकारा मिल गया अच्छी तरह से। और दूसरी बात की पढ़ाई के मामले में आगे था, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई साहब थे वो स्कूल में टीचर थे, मैट्रिक पास करके उन्होंने ट्रेनिंग की थी, तो उनके संरक्षण में हम लोग दिल्ली में रहे और वो हमको काफी सिखाते थे। मेरे बड़े भाई साहब का नाम अभयराम था, अभयराम जी है, तो वो मुझसे काफी बड़े थे उम्र में, तो बचपन में मतलब कि उनकी देख रेख में, और उनसे मेरे एक छोटे भाई और थे जिनका नाम था बारिश राम, और वो भी उन्होंने इंजीनियरिंग की थी उस समय में, तो इन दोनों का हमको बहुत ज्यादा सहयोग मिला, लाड प्यार भी मिला, और हमको कभी भी हम गलत करते थे तो वो डांटते थे, कभी कभी हमने उम्र के बच्चों के साथ पास खेल लेना, या कभी कभी कंचोर होते थे वो कभी भी खेलना, वो तो ये आदतें थी, तो वो बड़े डांट डपटते थे जब भी देखते थे, तो हमको चला करते थे कोई भी गलती करे नहीं। एक घटना मुझे बचपन की याद है कि मैंने जिंदगी में आज तक कभी चोरी नहीं की, एक बार मैंने जिंदगी में चोरी की, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी जो स्वयं कथा लिख रहा हूँ वो उसमें भी आएगी एक घटना कि हमारे घर में एक अनाज का ठेका हुआ, वो उससे जो ना बोरिया होते हैं बड़े बड़े उससे बना करके बड़ा बनाते हैं, उसमें गेहूं वगैरह डालते हैं, हमारे पिताजी एक बार साल भर में एक बार ले लेते थे अनाज पूरा गेहूं। तो वैसे तो घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पिताजी माता जी जब भी पैसे मांगते देते थे, भाई कुछ खाना बच्चे जैसे मांगते थे, मुझे पैसे दो मैं मिठाई लाऊंगा ये लाऊंगा करके मुझे मतलब हमेशा मिलता था। लेकिन एक बार अचानक मेरे दिमाग पता नहीं क्या आया कि हमारा जो ठेका था उसके नीचे के उसके ऐसा एक बिल्कुल नीचे ना एक ऐसा था, उसमें थोड़ा उसको ऊपर उठाओ और उसमें से वो नीचे अनाज निकल जाता था, ऐसा था वो, तो ऐसे निकालते थे उसमें। तो मैंने एक दिन क्या किया, छोटा बच्चा था मैं, उसमें से उसको थोड़ा ऊपर उठा करके थोड़ा उसमें से अनाज ले लिया, और अनाज लेकर के मैं फिर हमारे गांव में एक श्रीपाल नाम के एक वो बनिया थे, वो उसकी दुकान थी, उसकी दुकान में मैं कभी जाता था पैसे लेकर के जाता था, तो मैं वो लेकर के इसमें अपने सामने थैली सी बना करके कपड़े की झोली, और मैं वहां लेकर गया, हाँ हाँ झोली जी। और मैंने फिर वो क्या किया, उसको मैं उसको बोला कि भाई मुझे ये दे दो मिठाई दो मिठाई, तो वो मुझे देख करके हंसा, पहले हंसा, उसने कुछ मुझसे कुछ कहा नहीं और मुझसे उन्होंने मुझे दे दिया। उसके बाद में एक दो घंटे के बाद ही मेरे घर पर समाचार पहुंच गया कि तुम्हारा लड़का आज आया था और ऐसे ऐसे गेहूं लेकर के आया, और जो है ना वो ऐसे ऐसे आया, और मैंने उसको चीज दी। ये बात मतलब मेरे घर पर पहुंच गई, और उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने मुझे डांटा जबरदस्त, तो उसके बाद मैं बोला नहीं नहीं मैं कभी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, मैं मतलब कि अच्छी डांट खासी डांट पड़ी मुझे, और उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी कोई चोरी नहीं की आज तक पूरी जिंदगी में, मतलब कि ये एक घटना है जो मुझे बहुत याद आती है। तो अच्छा है कि आज आप साथ वार्तालाप करते हुए सारी बातें आ रही हैं, तो ये घटना थी।
और मैं पढ़ाई में खेल कूद में भी बहुत सक्रिय रहा। आपने कॉलेज कहाँ से किया सर? हाँ कॉलेज तो हाँ कॉलेज बताऊंगा मैं, लेकिन साथ में मतलब कि मैं गीत वगैरह भी गाता था बचपन में ना, शुरू से ही। हमारे यहाँ हैदराबाद में भी कभी कभी वो हमारी माँ और पिताजी वो उस सिनेमा हॉल पे जाते थे, सुनते थे, मैं भी जरा गाने सुन लेता था, गाता था। बचपन से मुझे गाने का शौक है, बचपन से ही। सुना दीजिए सर जी, छोटा सा टुकड़ा सुना दीजिए। मैं बचपन का सुनाऊं क्या? बचपन में जो बचपन का सुनाइए। बिल्कुल बचपन में गया था ना, देखते थे वो गाना चलता था जी। हाँ जी। एक तो वो मंडोले मेरा तंडोले ऐसे गाते थे, और कुछ तो मैं ऐसे करता ऐसे करके उसको करता था शुरू शुरू में। लेकिन एक गाना मुझे बचपन में मैंने बहुत लोगों के साथ गाया हुआ, हमारे परिवार में भी 8-10 हमारे मेरे जीजा वरा मेरे भाई सब, मैं मुझे बहुत पसंद है गाना कि माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले गले से लगा ले कि मेरा कोई और नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले गले से लगा ले के और मेरा कोई नहीं, के और मेरा कोई नहीं। इस तरह से गाना काफी लंबा है, थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छी आवाज है सर जी। और एक स्कूल में ही ना, मैं हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था, तो वहां पर दोनों एक म्यूजिक के टीचर भी थे, तो वो मुझे स्पेशली उन्होंने मुझे चुना था गाने के लिए। तो गांव में पीटी करना और जब भी होता था मैं आगे रहता था। विषय को लेके पढ़ाई की क्या था आपके पास? पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, क्या? हाँ, हाँ, अच्छा वहाँ पर अच्छा ठीक है, जम कर लेते एकदम से, इतना समय नहीं है ना। तो ऐसा कि मैंने प्राइमरी स्कूल किया, उसके बाद जो ना मैंने बाद में साइंस ली थी। आपने दिल्ली के स्कूल से स्टडी की फिर? हाँ, मैंने दिल्ली में ही पहली शिक्षा मेरी प्राइमरी स्कूल की गाँव में हुई। गाँव के बाद फिर हमारे नांगोई में एक सेकेंडरी स्कूल था, हायर सेकेंडरी स्कूल, उन दोनों में जी। तो उस स्कूल में मेरी जो प्राइमरी के बाद जो छठी क्लास से वहां पढ़ा मैं। ठीक सर, कॉलेज सर कहां? और उस समय के बड़े अनुभव नांगलोई गांव में, नांगलोई। स्कूल के बाद कॉलेज आपने फिर कहां से किया सर? हाँ, फिर उसके बाद कॉलेज कैसा हुआ कि हायर सेकेंडरी मैंने पास की दिल्ली से जी, हायर सेकेंडरी पास की, और वो भी मेरे बॉटनी वगैरह थे उसमें, मैथ से फिजिक्स वगैरह ना केमिस्ट्री वगैरह बायोलॉजी, ये उस समय मैंने ना ये बायोलॉजी भी रहा करती थी एक साथ। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो अलग हो गया है, लेकिन उस समय में बायोलॉजी के साथ साथ ना ये मैथ्स भी और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ती थी। तो साइंस मेरे बड़े भाई राजेंद्र प्रसाद जी उनको भी साइंस दिलाई गई थी और मुझे भी, और मेरे पिताजी का ये कहना था कि भाई इनको डॉक्टर बनाना है। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि भाई इनको डॉक्टर बनाना है, इसलिए साइंस डालना, साइंस में डालना। और मेरे दो बड़े बड़े भाई से छोटे भाई थे भाई श्याम जी, वो भी साइंस पढ़ते थे और वो मैथ्स के तो बहुत ज्यादा मतलब उनको ज्ञान था। जब भी मैं मैथ्स से बड़ा कमजोर रहा हूँ पर्सनली जी, तो मैथ्स मेरा इतना कमजोर रहा कि कभी भी मैं हमेशा अपने भाई से सवाल पूछता था, भाई ये जरा बता दे, वो मुझे डांट करता ये भी नहीं आता, और वो मुझे बताते थे कि ये ऐसे आएगा वैसे आएगा, लेकिन कभी मैथ्स में बहुत कमजोर रहा। खैर मेरा मैथ्स में ज्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन बायोलॉजी की ओर मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। तो मैंने फिर आगे जा करके जो पहले तो मैं कुछ समय सदानंद कॉलेज है ना दिल्ली का, हाँ जी जी बिल्कुल, सदानंद कॉलेज में मैंने वहाँ पहले बीए में एडमिशन लिया जी वहाँ पर, और फिर उसके बाद वहाँ सदानंद कॉलेज में उसमें संस्कृत भी पढ़ी मैंने, जैसे आपको संस्कृत की तो रही हो, आपने डॉक्टरेट की है उसमें और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप, और काफी आपका नाम है, प्रसिद्धि है। तो मैंने भी वहां पर संस्कृत सीखी और संस्कृत मुझे बड़ी अच्छी आती थी, बड़ा अच्छा पढ़ता था जी जी। और उसमें जो ना तो मुझे स्कूल में भी मैं संस्कृत पढ़ता था स्कूल में भी, तो ये उसके जो काफी क्या कहते हैं एक वचन बहुवचन हमारा ये द्विवचन, और उसमें कुछ अलग अलग ये क्रियाएं वगैरह होती थी अलग अलग, जो वो सारी कुछ मैं सीख लेता था अच्छी तरह से। और ये फार्मूला यमात राज भान से लगा, ये जो फार्मूला ये भी आप तो जानते हैं, तो ये भी मुझे याद हो गए थे। और तो लेकिन हुआ ये कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई 1973 में, और 1973 में जब पिताजी की डेथ हो गई
हैदराबाद में डेथ हुई उनकी। ये दोनों मेरे पास अखबार है, जब उस समय में हमारे जो जीजाजी वगैरह थे वो हैदराबाद गए हुए थे, क्योंकि जब पिताजी का ऑपरेशन होने वाला था तो वहाँ हॉस्पिटल में, वहाँ पर उस्मानी हॉस्पिटल अभी भी है वो, तो उसमें वो एडमिट थे मेरे पिताजी। तो ये जब उनका देहांत हुआ तो ये फिर बाद में समाचार पत्र में भी आई है, और मेरे पास आज भी सुरक्षित है वो। मेरे जो जीजाजी हैं राम कुमार जी जो नरेला से दिल्ली से, तो उन्होंने उस अखबार को संभाल के रखा, और उन्होंने जो ना उसमें ये लिखा हुआ कि भाई बनवारी लाल जी की वाल्मीकि समाज के इनकी इस तारीख को ये मृत्यु हो गई, और शोक वाल्मीकि समाज शोक में डूबा हुआ है, और उसके लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। तो ये जो ना ये बात है फरवरी की 1973 की, अखबार में आज भी मेरे पास वो अखबार भी है, वो रखा हुआ है, बहुत पुराना अखबार है हिंदी ब्लॉक। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे दो माता जी थी अब वो अकेली पड़ गई, और ये हुआ कि भाई यहाँ पर हैदराबाद में यहाँ पर भी काम रहना जरूरी है, और वहाँ भी आना जाना सब चलता रहेगा। तो क्या कि हमारे जो हम दो भाई थे, मैं और मेरे से बड़ा भाई राजेंद्र प्रसाद, तो हम दोनों को फिर यहीं पर ही आगे सब कुछ करना पड़ा। हालांकि हम हैदराबाद में पैदा हुए थे हम लोग, लेकिन फिर से हमें हैदराबाद में आना पड़ा, और हैदराबाद में फिर हमने यहाँ पर पढ़ाई शुरू की। तो मैंने फिर साइंस ले ली, मैंने कहा ये बीए हो रहा है, क्योंकि नए नए सब्जेक्ट लगते थे मुझे, और साइंस में पहले से रुचि ज्यादा थी, और साइंस मुझे बचपन से ही, मेरा वैसे मानसिकता भी शुरू से ही साइंटिफिक रही है। आज मैं अगर सोचता हूँ ना, तो मैंने जो चीज मुझे पसंद नहीं आई या जो चीज सही नहीं लगी उसको मैंने कभी नहीं अस्वीकार किया बचपन से ही। यानी रास्ते में नींबू पड़े रहते थे ना, कोई वो करता टोट के वाला करते थे, तो मैं उनको ठोकर मार के चलता था, कहता कि देखो कहाँ है अभी वो, अगर देखता मैं कि कुछ वो होगा तो। इस तरह की बातें, आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर, मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाह रही हूँ कि अच्छा, आपने यूपी में जैसे फिर एमए किया, फिर उसके बाद आपने पीएचडी की। मुझे सर मैं आपसे, क्योंकि हमारे पास समय का भी अभाव रहेगा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर कि आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने और टीचिंग फैकल्टी में रहते हुए आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हाँ, कैसे? तो मैंने क्या किया, मैंने बीएससी हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय से मैंने बीएससी पास किया, बीएससी किया मैंने बीजेडसी से, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, ये मेरे विषय रहे। तो बीएससी पास करने बाद मैंने सोचा कि चल रही कुछ मुझे बनना चाहिए, तो मैं सोचा कि भाई क्या बनना चाहिए, तो मैंने सोचा कि भाई लेक्चरर बनना ठीक है। तो हमने सोचा कि भाई लेक्चरर बनना है तो साइंस के लेक्चरर को उतनी सैलरी मिलती है, और जो लैंग्वेज के लेक्चरर उनको भी उतनी सैलरी मिलती है, तो क्यों ना आसान तरीका ढूंढा जाए। तो मैंने क्या किया, हिंदी से एमए किया मैंने, और हिंदी से एमए किया। उससे उससे पहले कुछ मैंने तैयारी भी की, तो यहाँ पर कुछ भूषण वगैरह की कक्षाएं होती है, विद्वान भूषण की, हिंदुत्ता सभा की, वो मैंने पास की ताकि थोड़ा हिंदी और अच्छा बन जाए। वैसे सेकंड लैंग्वेज हिंदी था मेरा बीएससी में, लेकिन और अच्छा मैं चाहता था बनना, तो इसी फिर उसके बाद इंटर स्टेट्स लिखा और एमए में एडमिशन जो मिल गया उस्मान आर्ट्स कॉलेज में। और मैं चूंकि मैं आपको ये बताऊँ कौशल जी के मैं मेरी कुछ पर्सनलिटी शुरू से ऐसी रही है कि मुझे कोई भी ये नहीं सोचता था कि ये ऐसी लड़का होगा, या कम से कम ये कि ये इस सो कॉल्ड इस जाति से होगा जिस जाति से लोग उनकी नफरत करते हैं, क्योंकि तो बड़ा मतलब कि खाने पीने को दिक्कत तो नहीं थी, और व्यायाम वगैरह खूब करता था, और मैंने सारी चीजें सीखी, कराटे सीखे, लाठी चलाना सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, और साथ में संगीत का बड़ा शौक था गाने का, तो वो भी करता था, वो भी सीखता था। और इस तरह से मतलब कि मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, और शारीरिक रूप से काफी स्ट्रॉन्ग था मैं, तो लोग भी मतलब ऐसे देख करके भी बड़ा ये मुझे वो थोड़ा मतलब कि कोई किसी हिम्मत नहीं होती थी मुझे कोई कुछ बोल जाए, और पहनावे से भी बड़ा अच्छे कपड़े पहनता था, तो कोई भी मुझे नफरत की नज़र से नहीं देखता था। और एक बार मैं आपको घटना बता रहा हूँ कि हमारे एक मित्र थे मेरे कॉलेज लाइफ के, तो उन्होंने मुझसे जो पूछा है पहली बार कि भाई आप किस जाति के हैं, तो मैंने बताया नहीं नहीं ऐसा है ना, तो ये मित्र जाति से, तो नहीं 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 ऐसा हो नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता क्या बिल्कुल, लेकिन फिर वो मतलब ठीक है कोई, चलो ठीक है,
तो लेकिन मेरे को सब लोग पसंद करते थे। और फिर मैंने इस तरह से दोनों एमए किया। एमए करने के बाद फिर उसके बाद चूंकि कुछ मैं गीत वगैरह भी गाता था तो वो भी मैंने किए। हमारे आर्ट्स कॉलेज का ऑडिटोरियम था बड़ा, उसमें मैं विद ऑर्केस्ट्रा गाने भी गाता था और इस तरह से। लेकिन उस समय में मुझे इतने ज्यादा अनुभव नहीं हुए जाति के, क्योंकि कोई मुझे समझता नहीं था कि इस जाति का होगा। ये बड़ा कारण था, मैं ज्यादा समझता हूँ। और किसी को पता भी लगा तो वो मुझसे नफरत कर नहीं पाए, क्योंकि मेरे अंदर यहाँ तक कि मेरे गुरु लोग भी थे ना, तो गुरु लोग भी मेरे से नफरत चाहते हुए भी शायद नहीं कर पाए, क्योंकि वो अलग अलग क्वालिटी थी ना। तो हो सकता था उनके मन में कहीं कुछ हो, तो लेकिन वो कोई कर नहीं पाए। यहाँ तक कि हमारे घर के पास ही ना एक जो सिटी कॉलेज है, सिटी कॉलेज के सामने एक बस्ती है, तो वहां पर हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के एक लीडर थे डॉक्टर श्रीराम शर्मा जी, उनका घर वहीं पर ही था। और डॉक्टर श्रीराम शर्मा जी रोज हमारे घर के सामने से वो वॉकिंग के लिए जाते थे सवेरे सवेरे, और मैं सवेरे सवेरे जो ना रनिंग करने जाता था, डेली 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर रनिंग व्यायाम हमारा ये। तो वो मुझे रोज देखते थे, हम लोग मैं उनसे रोज दौड़ते दौड़ते उनको नमस्कार करता था, विश करता था, और वो भी मुझे बहुत लाइक करते थे। और मैं बड़े लोगों की बड़ी इज्जत करता था। तो इस तरह से मतलब कि एक बार उनके घर पर भी गया मैं, लेकिन उन्होंने अपने घर के अंदर तो नहीं बुलाया, लेकिन मैं उनसे मिलते रहता था। बहुत अच्छा लग रहा आगे, और मुझे लग रहा था कि और आपको सुनूं। मैं बस आपसे अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ आगे का समाज के लोगों को, खासकर वाल्मीकि समाज, भंगे समाज, स्वच्छकार समाज, हमारे आप सब जानते हैं, आप क्योंकि दिल्ली में आपकी परवरिश हुई है, हमारे यहाँ एक बड़ा एक अजीब सा एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम एमसीडी में लिखवा देते हैं। मतलब माएं जो सपना देखती हैं कि मैं मेरा बेटा बड़ा होके आईएएस ऑफिसर बने, साइंटिस्ट बने, बड़ा नेता बने, हम लोग ऐसा नहीं सोचते, हम सोचते बच्चे का नाम एमसीडी में लगवा दें। उत्तर आपके तमाम अनुभव को देखते हुए, क्योंकि आप सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, मुझे अंतिम 7 मिनट में, हमारे पास 7 मिनट है सर, 7 मिनट में थोड़ा समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर युवा पीढ़ी जो पढ़ाई हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाती, नौकरी की तरफ एकदम ज्यादा बढ़ती है, उनको सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी ठीक है। अच्छा कि अभी उसके बाद वैसे मैंने एमए के बाद एमफिल किया, एमफिल और पीएचडी मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की थी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमए किया और बाद में एमफिल एक वर्ष में एमफिल कर लिया। 1980 में मुझे एमफिल की डिग्री प्राप्त हो गई थी जी। और 1979 में मैंने एमए पास कर लिया था और एक ही वर्ष में एमफिल की डिग्री मेरे पास आ गई थी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मुझे बड़ा फायदा हुआ उसका जी। और उसके बाद ही फिर पीएचडी के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था 1980 में ही। और उसके बाद मुझे जो है ना 1986 में मुझे पीएचडी की डिग्री अवार्ड होती थी, 1985 में थीसिस की सबमिट और 1986 में मेरे पास पीएचडी की डिग्री आ गई थी। ठीक है, तो ये तो मेरा हुआ। हाँ, समाज के लोगों को आप, अब समाज के लिए बता रहा हूँ आपको। अब समाज बात ऐसी कि जब मैं शुरू से ही मैं थोड़ा सामाजिक रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ पर था तो पहला ध्यान मेरा पढ़ाई की ओर था कि सबसे पहले मैं अपने आप को योग्य बनाऊँ। तो हमारे यहाँ हैदराबाद में सामाजिक आंदोलन, जो बाबा साहब का जो आंदोलन है, वो पहले से जारी था यहाँ पर। और जब मैं एमए एमफिल का विद्यार्थी था तो बहुत सारे हमारे सड़कों पर नामपल्ली में इधर उधर जो ना आंदोलन कारी लोग अपने जाते थे, उनसे मैं मिलता था। लेकिन मेरा मोटो था कि पहले मैं कुछ कर लूँ, तो मैंने एमफिल तो पास कर ली थी, फिर सोचा कि चलो ठीक है समाज के लिए कुछ करें। और मैंने फिर उसके बाद 1981 में हमने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था आंध्र प्रदेश वाल्मीकि समाज प्रगति संघ, इसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ। और ये विशेष रूप से इस समाज के लिए काम करने के लिए बनाई। और उस समय तक जो ना आप समझ सकते कि मैं पीएचडी कर रहा था, काफी कुछ ज्ञान था, खूब पढ़ता था, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था मैं, और इसलिए जो ना निडरता भी थी और ज्ञान भी था और बोलने का अभ्यास भी बहुत था। मेरे पास समय अब कम है, सिर्फ दो। हाँ, तो मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ हाँ, कि हमारा जो ये जो जिसको स्वच्छकार समाज
कह रहे हैं यहाँ पे, ये जिसको यहाँ पर मेहतर समाज कहा जाता है और जिसको वाल्मीकि समाज भी बोलते हैं। तो मेरा ये, मैंने खुद का ये अनुभव है कि ये इससे हम, हमें जो ना, जब तक हम कोई अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे और अच्छा हमें रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक जो ना हमारा मान सम्मान भी नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। और इसलिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी चीज है। और मेरा ध्यान भी इसलिए शिक्षा पर रहा कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षित बनो की बात कही थी, कि उसके माध्यम से हम बहुत सारी जो हमारी समस्याएं थी उनको हम दूर कर पाए। तो पहला संदेश ये है कि हर हमारा जो दो ये समाज है, जो झाड़ू जो करने चलाने का काम करता है, जो या मेला ढोने का काम करता है, या अभी भी सफाई कर्मचारी काम हो ये जो लोग कर रहे हैं, तो इनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। हम शुरू से ये कहते रहे हैं, 1981 में संस्था बनाई हमने तो उसके माध्यम से भी, कि भाई आप सबसे पहले इस काम को छोड़ो, ये थोपा हुआ काम है ये। तो जब तक आप इस पेशे से जुड़े रहोगे, आप अपने आप को कमजोर मानोगे, आपको लोग दबाएंगे, कोई आपको उठाने वाला नहीं है। मैंने एक बात देखी कि जो दूसरी जाति के भी लोग हैं, जो तथाकथित सवर्ण लोग हैं, वो तो दबाते ही हैं, लेकिन जो जिनको हम दलित मानते हैं, जो अछूत लोग हैं, दूसरे लोग, वो लोग भी जो डिफरेंट करते हैं, तो ये बात बड़ी टीस करती है कि बड़ा दुख पहुंचाती है कि वो भी मतलब इनको स्वीकार करने के लिए। लेकिन उनमें ही कुछ लोग थे जो बाबा साहब के आंदोलन से जुड़े, तो उन आंदोलन से हम जुड़े और उन आंदोलनों से जुड़ करके हमने बहुत कुछ सीखा। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से हम तभी से बहुत प्रभावित हो गए थे, 1980 तक दोनों मुझे काफी चीजों की जानकारी हो गई थी बारे में। और उसके बाद फिर हमने जो संस्था बनाई, तो हमने इस लोगों को ये बताया कि भी शिक्षित बनो, पढ़ाई करो और ये काम मत करो, और जो भी समस्या है उनका समाधान हम करने के लिए तैयार रहेंगे। और ये हमने, और छोटी छोटी बातें कि वाल्मीकि से हमारा संबंध नहीं है, मैं हमेशा बोलता रहा कि भाई वाल्मीकि कौन है सर, वाल्मीकि हमारे गुरु नहीं है। लंबी बातचीत करेंगे, आपका संदेश मैं जहां तक समझ पाई हूँ, आप वाल्मीकि समाज। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा, एक अंतिम बात कि देखिये, जैसे मेरा विकास हुआ ना, जब मैंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, तब मेरा बहुत तेजी के साथ विकास हुआ। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, मेरे पास टाइम कम है, हमारा टाइम इतना ही था। एक बार फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आपको और ज्यादा सुनना चाहेंगे। आपने सर अपना कीमती समय मुझे दिया, स्वच्छकार समाज को दिया, युवाओं तक आपकी बात पहुंची सर, इसके लिए सर आपकी बहुत बहुत बस झाड़ू छोड़ना चाहिए, काम करें, कोई भी काम करें आप। नहीं नहीं सर, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग बड़े हैं हमारे, आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं, आप लोगों का ही जो काम रहा है, आप लोगों के जीवन को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सर। मैं आपको सर स्वच्छकार समाज की तरफ से बहुत बहुत एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी साथियों को जो मुझे सुन रहे हैं, जो प्रोफेसर धर्मपाल जी को भी सुन रहे थे, उन सबका भी बहुत आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।